हे एवरीवन, मेरा नाम है ओरूप। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड ओवर रिव्यू देने वाला हूँ इस ब्लूटूथ डिवाइस का। दोस्तों, इस ब्लूटूथ डिवाइस का नाम है बेस्टॉप और इसका यहाँ पर प्रोडक्ट जो बॉक्स पे लिखा है T1 और पीछे की तरफ यहाँ पर लिखा है बेस्टॉप इंटरनेशनल और यहाँ पर MRP लिखा है 2499, लेकिन मैंने 1600 में परचेस किया फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों, अब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर पर लिखा है T1 और यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया। तो यहाँ पर मुझे ब्लूटूथ मिल जाता है 4.2 और यहाँ पर रॉन्ग डिस्टेंस अप टू 10 mm और वोल्टेज DC 5 volt यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बैटरी चार्ज टाइम यहाँ पर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और लाउड स्पीकर 10 403 वाट और कुछ यहाँ पर लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ हाउस वगैरह कुछ है। तो दोस्तों, और यहाँ पर हमें इस क्लॉक जैसे स्पीकर को देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर पैशन कुछ लिखा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है T1 का लोगो और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने बता दिया और यहाँ पर मिलता है T1 और कुछ सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट करते हैं आपको टैबलेट PC लैपटॉप और TF का भी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो हम खोल के देखते हैं और इसे बताते हैं कि अच्छा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को पूरा दृश्य बताने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का आता है ये जो प्रोडक्ट है वो, तो कुछ इस तरह का दिखता है फ्रंट से। तो इसे हम रख देते हैं साइड में और प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है, प्रोडक्ट के अलावा मिल जाता है यहाँ पर एक यूजर मैनुअल। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। T1 क्लॉक स्पीकर वायरलेस स्पीकर यहाँ पर सुनने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ चाइनीज भाषा में लिखा और यहाँ पर इंग्लिश पे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और हमारा बॉक्स पर है एक डाटा केबल, इसके मदद से आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे इसके मदद से आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसे दिखा देते आप लोगों को। कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इस साइड पे कुछ भी नहीं है और इस साइड में आप लोगों को मिल जाता है ऑन ऑफ का बटन और ऑक्स का 3.5 mm का ऑडियो कैप जो ऑक्स का है और यहाँ पर USB और यहाँ पर पेन ड्राइव और यहाँ पर मेमोरी कार्ड और यहाँ पर आप लोग ऊपर में देखने को मिलता है यहाँ पर क्लॉक फोन कट का और यहाँ पर एम यानी कि मोड या पर FM या फिर कुछ टॉक वगैरह सुनने के लिए और यहाँ पर वॉल्यूम था। तो दोस्तों, हम इसे ऑन कर लेते हैं। कुछ इस तरह का आप लोगों को ऑन करने के बाद आप प्रैक्टिस देखने को मिल जाए। तो 12:08 और यहाँ पर टाइम आ रहा है 8:05 और यहाँ पर BT अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना, ब्लूटूथ से मैं पहले टाइम सुन कर दिखा देता हूँ, उसके बाद मेमोरी कार्ड से बेस होना चाहिए, लेकिन बेस थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा रुपये के मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, फिर भी अच्छा चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर और क्लॉक है, क्लॉक स्पीकर है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रुपये में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लॉक नहीं चाहिए तो आप इसे मत खरीदिए। और यहाँ पर मेरे पास एक पेन ड्राइव कार्ड उसके मदद से भी मैं जाना समय का भी खरीद लिया। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ ऑफ। तो
यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है और इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया है, हमसे कुछ भी नहीं करना। तो यूएसबी से करना ये हो गया। तो वॉल्यूम ज़्यादा बुरा नहीं है, तो अब मैं इसे मेमोरी कार्ड से तेरे मेरे सपने सब बंद आंखों में। तो दोस्तों आप इस साइड पर पास कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन तो मैं मोड पर क्लिक करूँगा तो चालू हो जाएगा। तो दूसरी तरफ उस सीन पर ऑप्शन चालू हो गया है, तो इसको आप एफएम सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग के अगर अगर लगाएंगे तो कैसा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बता दूंगा मैं यहाँ पर देखते रहिए। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ऑफ है और इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑफ है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये लग चुका है काफी अच्छे तरीके से और यहाँ पर पूरा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसको मैं अगर यहाँ पर स्विच देने पर कैसा इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप स्विच को क्लिक करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह का दिखने को मिल जाएगा जो आपको क्लॉक वाइज काम में दे सकते हैं। अगर मैं स्विच को ऑफ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और मैं दे दिया दोबारा, तो यहाँ पर बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ऑफ और क्लॉक और एक बैटरी 50%। तो यहाँ पर फुल दिखा रहा है क्योंकि मैं इसे प्ले नहीं करता ज़्यादा। और दोस्तों एक ही हमारे जो स्पीकर का ओवरव्यू, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।